नमस्ते, मैं एकता जैन और आज मैं आई हूँ स्वप्नाक्षय मित्र मंडल के मॉडल टाउन के गणपति पंडाल में। इस बार का थीम कुछ अलग है, कुछ देशभक्ति से भरा हुआ है और वो देशभक्त हैं हमारे स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी। आप इनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी तो ज़रूर होगी। आज इस मंडल ने जो मंडल ने डेकोरेशन तैयार किया है, जो स्लाइड्स तैयार किए हुए हैं, जो मॉन्यूमेंट्स तैयार किए हुए हैं, वो सारे पेपर से बने हुए हैं। जी हाँ, एक एक कागज़ को जोड़ के बना करके उससे मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, उसे सारा डेकोरेशन बनाया हुआ है। तो पहले सबसे पहले इतनी बड़ी जो सावरकर जी की मूर्ति है, पहले वो देख लेते हैं ध्यान से और फिर अब पूरी उनकी स्टोरी सुनाते हैं। एक एक चीज स्टोरी में आती रहेगी, तो चलें। हमारा सबसे पहले आप सबसे ये निवेदन है, सेव वाटर। हर तरह का जल ही जीवन है, तो हर तरह का जल बचाइए। ओशन बचाना है हमें, नदियाँ बचानी हैं, ताकि हमारे लिए नहीं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एटलीस्ट जल बचा रहे, पीने के लिए भी। हमारे स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर जी, इनका जन्म हुआ था 1883 में उनका जन्म तो हुआ था, लेकिन 1966 में वो हमें छोड़ के चले भी गए थे। और ये थोड़ी छोटी उम्र होती है। नासिक में इनका जन्म हुआ था 28 मई 1800। ये जो मूर्ति बनाई हुई है सावरकर जी की, ये छोटा सा मॉन्यूमेंट की तरह बनाया हुआ है। ये भी पूरा कागज़ का बनाया हुआ है। यहाँ हर एक चीज़ रिसाइकलेबल है, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। ये जो हैं कटआउट्स बनाए हुए हैं, ये पूरे कार्डबोर्ड से बनाए हुए हैं, बहुत पतले पतले, दिखाने के लिए कि बहुत सारे लोगों को ये अपनी बात समझा रहे हैं। इनके जो भड़काऊ भाषण होते थे, जो आजकल की लैंग्वेज में कहा जाता है भड़काऊ भाषण, लेकिन इनकी जो कहानी थी, ये जो बताते थे, ये सच बताते थे, तो इससे ब्रिटिश सरकार बहुत नाराज़ होती थी और इनसे इनकी BA की डिग्री भी छीन ली गई थी। आगे चलते हैं, इनकी आगे की स्टोरी सुनते हैं। ये बहुत बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे से पूजा करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाया गया है कि हर एक मंदिर, हर एक भगवान की ये पूजा करते थे। यहाँ जितने भी कटआउट्स लगाए गए हुए हैं, कम्प्लीटली पेपर मैशे से बनाया हुआ है। ये एक एक चीज़ पेपर की है और ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं। इनकी पूरी स्टोरी बताई हुई है। हम आगे चलते हैं। 1902 में इन्होंने जो विदेशी कपड़े आते थे उनका त्याग करने के लिए कहा, उनकी होली जलाई गई थी। तो ये उसी का प्रदर्शन किया गया है कि ये जितने भी कपड़े दिखाए गए हैं, ये आइदर सिल्क के हैं या किसी और मटेरियल के बने हैं। हमारे यहाँ सिर्फ खादी और कॉटन चलता था। ये सारे जो दूसरे मटेरियल जो हैं अब बहुत ज़्यादा चलन में हैं, ये उस वक्त उन्होंने इसे बायकॉट करने के लिए कहा था, उस वक्त उसकी होली जलाई थी। इससे भी ब्रिटिश सरकार जो थी बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। उनको ये रेबेलियस लगते थे, उनको ये बहुत ज़्यादा खटकते थे। आगे चलते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं। ब्रिटिश विरोधी नारे जैसे वंदे मातरम, ये सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सब मिलकर के उनके खिलाफ साजिशें रचते थे। इनके साथ जो, अगर आपने इनके बारे में सुना होगा, मैडम कामा, जी हाँ, जो मैडम कामा थी वो पहली लेडी, जहाँ तक हमें मालूम है, जो थी, जो स्वतंत्रता हमारे जो अभियान चल रहे थे उसके अंदर उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के साथ हाथ मिलाया था। जब कोई नारी शक्ति आ जाती है तो बहुत ज़्यादा ही आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं, कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ खतरनाक दृश्य भी दिखाए गए हैं कि कैसे हैंडमेड बॉम्ब्स हैं, गन्स हैं, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करने वाले थे। कुछ साइंटिस्ट से मिलके, कुछ लोगों से मिलके, कैसे ये बॉम्ब्स बनाए जाते थे, कैसे बॉम्ब मिले जाते थे, बिकॉज हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो सिर्फ अहिंसक नहीं थी, हिंसक भी थी। ये एक वो पार्ट भी है, बिकॉज सिर्फ अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिली है। कुछ वीर थे, कुछ
बलबीर थे जिन्होंने अपनी जान भी दी और औरों को या ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए दूसरी तरकीबें यूज़ की थी, ये उसमें से एक है। ब्रिटिश के एक कर्जन वाइली जो एक ऑफिसर थे उनको उन्होंने डायरेक्ट सामने जा कर के गोली मारी और कहा कि मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये एक ऐसा शख्स था जो बहुत क्रूर था, बहुत बुरी चीज़ें करता था हम भारतीयों के साथ। वो इनसे देखा नहीं गया और उन्होंने इनकी जान ले ली। अब जान तो ले ली, उस वक्त रूल्स भी ब्रिटिशर्स ही बनाते थे, तो उन्होंने बताया कि इनको फांसी दे देनी चाहिए। तो कहा कि मैं तैयार हूँ, भारत माता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस इसी तरह अपने जान निछावर करने के लिए भी तैयार हो गए। आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ उनके साथ। जब उनको सजाए काला पानी हुआ था तो ऐसे ही बोट में सब उनको कैद करके रखा जाता था, तो किस तरह से वो वहाँ से निकल के भागे थे कि उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए या एक शख्स को मार के जेल में रहूँगा तो मैं आगे भारत माता की सेवा नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो किस तरह से निकले और फिर आगे उन्होंने क्या किया। जब वो भाग गए तब उन पर मुकदमा चला तो अब जब ब्रिटिशर्स ही रूल बनाते हैं, ब्रिटिशर्स ही जज हैं, तो मुकदमा तो पता ही था कि क्या होने वाला है। बस उन्हें वापस सजा दी गई, इस बार फांसी की सजा दी गई। अब रुका नहीं गया, वीर सावरकर जिस जेल में उनको रखा गया था, जब तक उन्हें फांसी नहीं होती थी तब तक उनसे काम करवाया जाता था। ये हंटर मार मार के इनसे काम करवाया जाता था और फिर तब भी वो अपने दीवारों पे अपनी जो बातें थी वो उस जेल की दीवारों पे लिखते थे। बस इस तरह हमारे भारत के इस लाल ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, वो भी हमारी स्वतंत्रता के लिए। तो जब स्वतंत्रता की बात चली रही है, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसी के लिए वीर सावरकर जी को याद करते करते स्वप्नाक्षय मित्र मंडल ने उनकी स्टोरी सुनाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए ये पूरा डेकोरेशन किया है। जो उन्हें सजाए काला पानी हुआ था, ये ऊपर भी पूरा ब्लैक, जो ऊपर आप देख सकते हैं पूरा काला किया हुआ है। ये जेल की दीवारें बनाई हुई हैं हर तरह से। उन्हीं को याद करते हुए हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर को नमन। हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ रहे, एकदम गंदगी से फ्री रहे, तो स्वच्छ भारत अभियान तो चल ही रहा है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, वन टाइम यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ना करें, प्लास्टिक की बॉटल्स ना यूज़ करें, जो एक टाइम पी करके फेंक दी जाती हैं वैसे बॉटल ना यूज़ करें। अपने पास अपनी खुद की स्टील की, प्लास्टिक स्टील की, मेटल की, जो भी आपके पास बॉटल हो सके वो बॉटल अपने पास रखिए, उसमें पानी भरिए और वापस रीयूज़ कीजिए। कोई भी चीज़ जो रीयूज़ रिसाइकल हो सकती है उसे रिसाइकल कीजिए, बस यही हमारा मोटो है। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, सेव द वुमेन आगे फ्यूचर के लिए। और बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, दे आर फाइटर, दे आर पावरफुल, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर केयरिंग। भारत माता की जय। बस इसी तरह स्वप्नाक्षय मित्र मंडल मॉडल टाउन में आप आइए, गणपति जी के दर्शन कीजिए, हमारे वीर सावरकर की कहानी पढ़िए और उन्हें याद कीजिए। भारत माता की जय।